हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनोमेनिया। कैसे हैं भाई? होपफुल एकदम बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, है ना? और आपके जो रेलवे के एग्जाम्स हैं बेटा, वो भी काफ़ी अच्छे से आप दे रहे होंगे होपफुली। और जिनके अपकमिंग डेज में आने वाले हैं रेलवे के एग्जाम्स, तो आप सभी को गुड लक भाई। ध्यान से दीजिएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डेली पूछे जा रहे हैं। देखिए, कोशिश हमारी यही है कि इस चैनल पर डेली वो सभी के सभी टॉपिक्स अपलोड किए जाएँ जो कि रेलवेज में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, आप समझ रहे हैं। तो भाई उसी सिलसिले में जो टॉपिक्स हैं वो डेली अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। बाकी मैथ्स भी स्टार्ट हो गई है, मैथ्स की नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। मे बी मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक मैथ्स की जो वीडियो है नेक्स्ट पार्ट एलजेब्रा पे पार्ट नंबर 2 वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, काफी एक इंपॉर्टेंट है वीडियो, जिसमें देखिए टॉपिक का नाम है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम, है ना। जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके लोकप्रिय नाम क्या क्या थे, ठीक है। देखिए, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम टोटल मैंने यहाँ पर, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो देखिए 21 यहाँ, 45 और 75 टोटल मिला के, यानी कि टोटल ये 75 क्वेश्चंस हैं। एक ये 75 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप वो बड़े आराम से कर लेंगे। SSC ही नहीं, ठीक है, SSC में कई सारे एग्जाम्स होते हैं, आप जानते हैं CGL है, CPO है ना, MTS है, बहुत सारे एग्जाम्स SSC कंडक्ट कराता है। और साथ ही साथ में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे UPPSC है या फिर UP SSC है, इसकी तरफ से जो कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इन 75 में से कम नहीं तो 40-50 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े हैं और आपको आते भी होंगे। बस हमें क्या करना है, जो बचे हुए रेस्ट 25-30 क्वेश्चंस है ना, उन्हें बस कंप्लीट करना है। बस वो आप देख लीजिए एक बार, प्रॉपर इसके नोट्स बना लीजिएगा लिख के, ताकि जब आपका कभी एग्जाम होगा, जैसे अभी SSC CGL और CHSL वाले जो एग्जाम्स हैं वो ऑलमोस्ट जनवरी के आसपास होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब के लिए क्या होगा, आपके अगर नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक। तो इसलिए नोट जरूर बनाया करो और रिविजन जरूर करा करो, ठीक। डेली एक मॉक टेस्ट भी लगाइए भाई। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी इंग्लिश में बेटा इसे फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। तो ये किसे कहा गया, ये कहा गया बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा गया बताइए, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया, ठीक है। इतना ही नहीं, और भी इनके कई सारे नाम है, जैसे हमें फख्र ए अफगान, फखरे अफगान, ये किसे कहते हैं, तो ये भी इन्हीं को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देश रत्न, देश रत्न किसका नाम है भाई, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देश रत्न उपाधि किसको दी गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपिता हम सभी जानते हैं भाई, महात्मा गांधी जी, है ना। राष्ट्रपिता किसको कहा गया, महात्मा गांधी जी को कहा गया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, उपाधि किसने दी है, तो ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है बेटा, जिन्होंने आपका राष्ट्रगान जो है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसकी रचना भी की, ठीक है। और आगे चलेंगे, अजात शत्रु, अजात शत्रु, देखिए अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ, उसे कहते हैं अपन अजात शत्रु। और ये किसको बोला गया, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बोला गया है अजात शत्रु। तो दो उपाधियां आपने देख ली इनकी, एक यहाँ पर देखिए देश रत्न, और एक और आपने देख ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है अजात शत्रु, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो बापू, अगेन बापू किसकी उपाधि भाई, महात्मा गांधी जी की, आप सभी जानते हैं, ठीक है, इनको प्यार से बापू भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर, ये किसे कहा गया, तो जैनुल आबदीन को कहा गया, ठीक है। ये वो है जो थोड़ा सा अब आपके लिए मतलब हटके हो गया है ना, तो ये आपने शायद मोस्टली नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करीब 25 से 30 के आसपास कुछ ऐसी उपाधियां हैं जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी शायद, तो वो बस आपको उस पर कमांड करनी है, बाकी तो आपको आता ही भाई, और टैलेंटेड बच्चे हैं आप सभी। देखिए कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, जैनुल आबदीन को कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पहला इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। नेताजी, नेताजी किसको कहते हैं भाई, सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। तो नेताजी किसे कहा जाता है बेटा, सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। फिर लिखा है लौह पुरुष, लौह पुरुष कौन है बताइए, तो आप सभी जानते हैं भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। इतना ही नहीं बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क, किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष का मतलब होता है ग्रैंड ओल्ड मैन, और ये किसके सेंस में है, ये इंडिया के सेंस में है। हालांकि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन भी मैं आपको कराऊंगा, जो कि ग्लैडस्टोन को कहा जाता है, अभी आगे आएगा ग्लैडस्टोन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन, लेकिन अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कौन है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्लियर हो रहा पॉइंट। आगे चलिए, शांति पुरुष, शांति पुरुष कौन है भाई, तो शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है बेटा, शांति पुरुष, क्लियर हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे शांति पुरुष की जगह अशांति पुरुष,
अशांति पुरुष किसको बोला गया है? आपने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसमें लोकमान्य तिलक जी जो है, लोकमान्य तिलक, उन्हें अशांति का दूत कहा जाता है, यानी कि अशांति पुरुष कहा जाता है। लिख लीजिएगा बगल में, शांति पुरुष कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, और उसी के नीचे लिख लीजिए अशांति पुरुष किसे कहते हैं? लोकमान्य तिलक, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक, एक ही बात है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आगे देखिए, युवा तुर्क किसे कहते हैं? तो युवा तुर्क कहते हैं श्री चंद्रशेखर को। श्री चंद्रशेखर जो है ना, चंद्रशेखर आजाद, उन्हें क्या कहा जाता है? युवा तुर्क कहते हैं। इसके बाद पंजाब केसरी, पंजाब का शेर है ना, पंजाब केसरी, तो वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको पंजाब के लिए उन्हें बहुत सारा काम भी करा, ये रीजन है पंजाब केसरी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। पंजाब केसरी, केसरी मतलब शेर, ठीक है, तो पंजाब का शेर, तो लाला लाजपत राय। इसी देखिए बेटा, लिखा है बिहार केसरी। बिहार केसरी किसे कहते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये हो सकता है कि आपको ना पता हो, अनइम्पॉर्टेंट थोड़ा सा आपको लग रहा हो, है ना, जो आपने, जो शायद आपने अभी तक ना पढ़ा हो, तो याद रखिएगा बिहार केसरी किसे कहते हैं? अपन श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट देखो, लिखा है आंध्र केसरी। तो आंध्र केसरी, ये भी बेटा शायद इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होगा, आंध्र केसरी कहते हैं बेटा टी प्रकाशन को। क्या कहते हैं? टी प्रकाशन। किसे कहते हैं भाई? तो टी प्रकाशन को कहते हैं। ये कौन है? आंध्र केसरी है, ठीक है। तो तीन केसरी याद हो गए तुम्हें। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी किसे कहते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और आंध्र केसरी किसे कहते हैं? टी प्रकाशन को, ठीक है। ये तीन पॉइंट आपको याद हो गए। नेक्स्ट देखो, शेर ए कश्मीर। शेर ए कश्मीर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पंजाब का शेर है, ये कौन सा शेर है? ये कश्मीर का शेर है। ऊपर एक आया था कश्मीर का अकबर, तो जानू लाबदीन, कंफ्यूज मत होना, ये कश्मीर के अकबर है, ये कश्मीर के शेर है। तो कश्मीरे केसरी पूछे या फिर शेरे कश्मीर पूछे, एक ही बात है, ये कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। किसे कहते हैं अपन? शेख अब्दुल्ला। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिखा बेटा शहीद ए आजम। शहीद ए आजम, जैसे कायदे ए आजम होता है, कायद ए आजम है ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ऐसे ही शहीद ए आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को कहते हैं, ठीक है। भगत सिंह को शहीद भगत सिंह कहा जाता है, ठीक है। तो ये शहीद ए आजम किसकी उपाधि हो गई? भगत सिंह जी की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माता वसंत। माता वसंत किसको कहते हैं? तो एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? माता वसंत कहते हैं, ठीक। ताऊ, ताऊ किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, चौधरी देवी लाल, ताऊ कहते हैं, ठीक है। चौधरी देवी लाल इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत कोकिला। दो होते हैं देखो कोकिला में, एक होता है बेटा भारत कोकिला, एक होती है स्वर कोकिला। दोनों में कंफ्यूजन होता है। एक बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया स्वर कोकिला किसे कहते हैं। अब उसमें ऑप्शन में सरोजिनी नायडू जी भी थी, है ना, तो उसको बच्चों ने टिक कर लिया और चले आए। तो उनको ये लगा कि भैया कोकिला है तो वो भाई वही है सरोजिनी नायडू, लेकिन स्वर कोकिला कौन है भारत में? याद रखिएगा, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं, ठीक है। और भारत कोकिला किसे कहते हैं अपन? सरोजिनी नायडू को, ठीक है। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये भारत कोकिला थी, ठीक। चाचा हम सब जानते हैं, 14 नवंबर भी आएगा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है। बंग बंधु, देखो कई सारे हैं, बंग बंधु, दीन बंधु, देश बंधु, है ना, प्रिय बंधु, तो इस प्रकार से देवप्रिय, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं बंग बंधु। तो बंग बंधु बोला गया है शेख मुजीबर रहमान को, शेख मुजीबर रहमान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बंग बंधु हो गया शेख मुजीबर रहमान। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, देखो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट लगा रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उड़न परी किसे कहते हैं? सभी जानते हैं यार, पीटी उषा। पीटी उषा को क्या कहते हैं अपन? उड़न परी, ठीक। फिर लिखा देखो देश बंधु, भैया देखो यहाँ पे पूछा गया बंग बंधु, बंगाल का बंधु, बंग बंधु, ये कौन थे? ये थे मुजीबर रहमान, शेख मुजीबर रहमान। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं देश बंधु और दीन बंधु, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो देश बंधु कहा जाता है बेटा चितरंजन दास को, और दीन बंधु देखिए कहा जाता है सी एफ एंड्रयूज को। किसको कहते हैं? सी एफ एंड्रयूज। तीनों कंफ्यूजिंग है आपस में, ये है बंग बंधु, ऊपर है देश बंधु, फिर है दीन बंधु, ये तीनों बंधु कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज, और बंग बंधु किसको कहते हैं अपन? शेख मुजीबर रहमान को, ठीक है। जहां आपने दो एक बार पढ़ा, आपको अपने आप याद हो जाएंगी चीजें, ठीक। मोस्टली तो आपको याद ही हुआ यार, इतनी तो आप पता नहीं कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कब से आप चीजों को समझ रहे हैं ना, आप कोचिंग कर रहे हैं, आप चीजों को, सब्जेक्ट को और अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, पता नहीं कब से, तो आपको इतनी तो नॉलेज हो ही गई होगी, मुझे पता है, ठीक। तो बस थोड़ी सी जो चीजें बची हुई हैं उनको और अच्छे से कर लीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक पूरा। देखिए ऊपर एक छोटा बटन, निर्मल हृदय। निर्मल हृदय, जिसका हृदय निर्मल हो, वो कौन थी? वो थी हमारी फेवरेट मदर टेरेसा जी, ठीक है, याद रखिएगा, मदर टेरेसा, ठीक। क्या नाम है इनका? इनको कौन सी उपाधि दी गई? तो निर्मल हृदय, ठीक। आगे देखो, विश्व कवि। विश्व के जो कवि हैं, ये उपाधि किसको दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर की दो उपाधियां, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखो
राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता जो उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी एक उपाधि देते हैं गुरुदेव की किसको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। मैं ये उपाधियों का जो नाम है ना कि किसने किसको दी वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा उसकी, उसमें मैं आपको सब बताऊंगा कि किसने किसको उपाधि क्या दी, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हमें पता लग गया भाई कि विश्व कवि कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और साथ ही साथ में गुरुदेव भी किसे कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए लोकमान्य, तो लोकमान्य हम सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और अशांति का दूध भी किसे कहते हैं, लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, ठीक है। ये तिलक वही है जब सांडर्स ने लाठियां बरसाई थी तो तिलक जी की वहां पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इनका एक फेवरेट स्लोगन भी आया था, मैंने आपको स्लोगन पढ़ा है, प्रमुख नारे याद करिएगा, अगर आपने प्रमुख नारे नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। इसमें इनका एक काफी इंपॉर्टेंट और फेमस एक स्लोगन है कि मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत का कील साबित होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक फेमस स्लोगन है जो कि इनका स्लोगन था लोकमान्य तिलक का। आगे देखिए कवि गुरु किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कवि गुरु कौन है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ध्यान रखिएगा। कवि गुरु, गुरुदेव और फिर विश्व कवि, ये तीनों किसको कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। फिर देखो लोकमान्य, लोकमान्य कौन है, जेपी, इंदिरा गांधी जी की अगर बात करी जाए तो बहुत ज्यादा परेशान करा इंदिरा गांधी जी को जेपी, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। तो जेपी का पूरा नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो लोक नायक है जयप्रकाश नारायण, ठीक। बंगाल केसरी की बात करी जाए, अब देखो अभी आपने यहाँ पे चार केसरी पढ़ लिए थे, अब बंगाल केसरी बचा तो उसको भी पढ़ लो। बंगाल केसरी कहते हैं अपन आशुतोष मुखर्जी जी को, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, आशुतोष मुखर्जी, ऊपर कवि गुरु और एक ये विश्व कवि, ठीक है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नहीं पता होगा वो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो बंगाल केसरी कहते हैं अपन आशुतोष मुखर्जी जी को। फिर देखो स्वर कोकिला, अभी बताया मैंने आपको स्वर कोकिला कौन है, जल्दी बताइए, लता मंगेशकर जी, ठीक है। इसके बाद देखो सचिन तेंदुलकर जी जो है वो इनको अपनी ये माँ भी मानते हैं, ठीक है, प्यार से अपनी माँ मानते हैं उनको वो। अच्छा सचिन तेंदुलकर क्या कहते हैं अपन, मास्टर ब्लास्टर, दो इंपॉर्टेंट है देखो, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो सरदार, सरदार उपाधि किसकी है, वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट है बेटा। स्वर कोकिला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जन नायक, जन नायक जनता का नायक, तो जन नायक कौन है, कर्पूरी ठाकुर, इसको कहते हैं कर्पूरी ठाकुर को जन नायक कहा जाता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार बना रहा हूँ। तोता ए हिंद, पता नहीं कितनी बार मैंने आपको कराया, ठीक है, जब मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी वहां पर भी मैंने आपको पढ़ाया था, प्लस जब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बाद में चीजें और कराई थी स्पेशल, उसमें वीडियो में भी मैंने आपको अमीर खुसरो जी के बारे में बताया, ठीक। तो तोता ए हिंद यानी कि पैरट ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक गाँव में ये पैदा हुए थे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जल्दी से, देखो राज ऋषि, राज ऋषि या फिर राजर्षि, तो ये किसको बोला गया है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को राज ऋषि की उपाधि दी गई है, इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट देखो बाबूजी, बाबूजी किसकी उपाधि है, तो बाबू जगजीवन राम जी को बोला जाता है, ठीक है, बाबूजी किसे कहते हैं अपन, जगजीवन राम को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव अगेन रविंद्रनाथ टैगोर जी, जानते हैं आप ये गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी थी, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त, यानी कि एक ऐसा राजा जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने हमेशा जीता है देश में, जिसने हमेशा सत्ता को जीता है, ठीक है, युद्धों को जीता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त। ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, तो वैसे ही समुद्रगुप्त भारत में रहकर कोई युद्ध नहीं हारा था, ठीक है, तो समुद्रगुप्त किसे कहते हैं अपन बताइए, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहलाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। आगे गुरुजी किसे कहते हैं, अब याद रखिएगा ये गुरुदेव नहीं है, गुरुजी हैं, गुरुदेव से कंफ्यूज नहीं होना, गुरुदेव कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को, लेकिन बेटा गुरुजी किसको कहते हैं बताइए जल्दी से, एम एस गोलवालकर को कहते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, एम एस गोलवालकर क्या कहते हैं, गुरुजी, ठीक, तो गुरुजी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, एम एस गोलवालकर। भारतीय मैकियावेली, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो देखिए भारतीय मैकियावेली कहते हैं अपन चाणक्य को, सबसे ज्यादा दिमाग मैकियावेली का चलता था, ठीक है ना, अगर हम वर्ल्ड में बात करें, है ना, तो ऐसे ही अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा दिमाग किसका चलता था, चाणक्य का चलता था। चाणक्य ने आपको पता होगा कि जब मगध पे शासन करने वाला वंश आया है मौर्य वंश, जिसकी स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उसके प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, चाणक्य, जिनके दो नाम पूछे जाते हैं बेटा, चाणक्य का एक नाम है कौटिल्य और एक इनका नाम होता है विष्णुगुप्त, ठीक है, तो चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश से पहले मगध पर शासन कर रहे नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर मौर्य वंश की नींव रखी, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसमें ये भाई साहब का बहुत बड़ा रोल था, चाणक्य जी का, ठीक, तो ध्यान रखिएगा।
चाणक्य इंपॉर्टेंट है बेटा, भारतीय मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को। राजा जी किसे कहते हैं बताओ? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये वही है जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हरियाणा हरिकेन। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? हरियाणा हरिकेन। तो वैसे तो हरिकेन एक प्रकार का तूफान होता है, तो ये हरियाणा के तूफान हो गया ना। तो हरियाणा के तूफान एक समय पे किसे कहा जाता था? कपिल देव जी को। बिकॉज कपिल देव जी किसको बिलोंग करते हैं? हरियाणा को बिलोंग करते हैं, ठीक। तो हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? कपिल देव को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पैरो, स्पैरो कहा जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। स्पैरो ऐसा कहा जाता है कि इनका निशाना बहुत अचूक था, ठीक है। ये मेजर जनरल है, इनका निशाना बहुत अचूक था, तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? स्पैरो, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको ना याद हो तो याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है लाइन से। यहाँ से लिटिल मास्टर सभी जानते हैं, सुनील गावस्कर जी को कहा जाता है लिटिल मास्टर, ठीक है। आगे देखिए, मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं भाई? अभी मैंने आपको बताया ना कि लिटिल मास्टर कहते हैं सुनील गावस्कर को, और मास्टर ब्लास्टर कहते हैं सचिन तेंदुलकर को। क्लियर होगी बात। फिर देखिए महामना, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहते हैं, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ही माना जाता है BHU का संस्थापक, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वाराणसी में या बनारस में, जहाँ जो कि संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी है BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि ऑलमोस्ट अब एम्स बन चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, BHU जो है उसकी स्थापना किसने करी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, हॉकी के जादूगर, सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक। फिर देखो फ्यूहरर, फ्यूहरर का मतलब होता है फियर से, समझिए कुछ, है ना, फ्यूहरर। तो फियर किसका होता है भाई? हिटलर का। हिटलर क्या करता था? फालतू में लोगों को मरवा देता था। तो फ्यूहरर जो है वो कौन है? हिटलर है। हिटलर को फ्यूहरर की उपाधि दी गई है। फिर लिखा है बार्ड ऑफ एवॉन, तो बार्ड ऑफ एवॉन ये उपाधि दी गई है शेक्सपियर को। शेक्सपियर ये वही है विलियम शेक्सपियर जिन्होंने कई प्रकार के इंपॉर्टेंट नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जूलियस सीजर है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो ये कुछ इनके फेमस नॉवेल थे, ठीक है, हम सब ने पढ़े। लिखा है देखो सुपर कैट किसको कहते हैं अपन? क्लाइव लॉयड को कहा गया है सुपर कैट, ठीक, सुपर कैट। फिर लिखा है देखो बिहार की विभूति यानी कि बिहार की जो शान है, बिहार विभूति, ये कहा गया है अनुग्रह नारायण सिंह को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है लाइन से, ठीक है। तो बिहार विभूति किसे कहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। फिर देखो देशप्रिय, अभी यहाँ पे था ना देश बंधु दीन बंधु, तो देश बंधु था, अब देशप्रिय है। देशप्रिय किसे कहते हैं बेटा? याद रखिएगा यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। क्या नाम है? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। मे बी यहाँ पे शायद विजिबिलिटी आपको इतनी ना हो, क्योंकि कई मैंने बिकॉज बहुत सारा कंटेंट था, मैंने कोशिश करी है कि एक ही बोर्ड पे पूरा मैं आपको डिस्प्ले कर पाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड आपको लग रहा होगा, लेकिन कोशिश करिएगा, मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो वीडियो की क्वालिटी क्लियर होगी, नहीं क्लियर होती तो 144 से हटा के उसको 360 या 480 पे देखा करिए, ठीक है। 720 पे तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो 480 पे भी देखेंगे तो आप बढ़िया आराम से देखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। बाकी मैं बोल तो रही हूँ आपको, तो लिखते चलिएगा। तो बेटा यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता ये कौन है? ये देशप्रिय है। फिर देखो भारत के शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। कालिदास जिन्होंने बहुत मार्वेलस, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, उपन्यासों की रचना करी है ना, तो याद रखिएगा कालिदास, ठीक। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने, मेघदूतम है ना, कुमार संभवम है, तो कई प्रकार के नॉवेल्स इन्होंने लिखे, ध्यान रखिएगा। तो कालिदास भारत का शेक्सपियर। फिर लिखा देखो गुजरात का जनक किसे कहते हैं? तो ये है रविशंकर। गुजरात का जनक कहा जाता है बेटा रविशंकर महाराज जी को। गुजरात का जनक कौन है? रविशंकर महाराज, ठीक। फिर देखो भारतीय फिल्मों का पितामह किसे कहते हैं? भारतीय फिल्मों का पितामह मतलब जिसकी वजह से भारत में फिल्में बनना शुरू हुई, फिल्मों के बारे में भी लोगों ने जाना है ना, लोगों ने फिल्में देखना स्टार्ट करा, फिल्म एक अलग ऑक्यूपेशन बन गया। आज आप देखिए एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है एक्टर्स और एक्ट्रेस का, है ना भाई, कई सारे स्टार्स आप जानते हो बॉलीवुड हॉलीवुड में निकल के आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भारत की तरफ से, तो भारतीय जो फिल्म है उसके पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा धुंधीराज गोविंद साहब फाल्के, ठीक है। क्या नाम है? देखो धुंधीराज गोविंद साहब फाल्के, ठीक है, धुंधीराज गोविंद साहब फाल्के। और पितामह को बेटा हम क्या कहते हैं? दादा। आप जानते हैं पिता के माँ मतलब पिता के पिता को दादा कहते हैं, तो यही रीजन है कि बॉलीवुड में एक फेमस इनके नाम पर एक बेटा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, याद है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और जल्दी बताइए इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, कमेंट करके बताइएगा कि बेटा किसको दिया गया, ठीक। अभी लेटेस्ट का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखिए पर आपको बोला जा रहा है कि भारतीय फिल्मों का पितामह कौन है, तो धुंधीराज गोविंद साहब फाल्के। फिर लिखा देखो लिटिल कॉर्पोरल किसको कहते हैं अपन? तो ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन बोनापार्ट को बेटा। पूरा नाम मैंने नहीं लिखा, नेपोलियन बोनापार्ट पूरा नाम होता है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट,
इसको क्या उपाधि दी गई है, तो लिटिल कॉर्पोरल की उपाधि दी गई है। फिर देखो नेक्स्ट, ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी कहा जाता है बेटा मार्टिन लूथर किंग को, मार्टिन लूथर किंग को। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो इसको नेल्सन मंडेला से कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा नेल्सन मंडेला नहीं है, आंसर क्या होता है मार्टिन लूथर किंग होता है, ठीक, ब्लैक गांधी। और सीमांत गांधी किसको कहा गया था, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसे फख्र ए अफगान की उपाधि भी दी गई है, ठीक। पर देखो विद्रोही कवि कौन है, तो ये है काजी, ठीक है, नजरुल इस्लाम, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काजी नजरुल इस्लाम, ये कौन है, ये विरोधी कवि है, विरोधी कवि, ठीक, काजी नजरुल इस्लाम। पर देखो विरोधाभासों का मिश्रण, विरोधाभासों का मिश्रण ये कहा जाता है एमबीटी, एमबीटी का फुल फॉर्म होता है बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये एमबीटी जो है ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो तीसरा वंश था तुगलक वंश, भाई गुलाम आया फिर खिलजी आया फिर कौन आया, तुगलक वंश, ठीक है, तो तुगलक वंश के हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें कहा जाता है बेटा विरोधाभासों का मिश्रण। एक्चुअली बस यही चीज है कि इनको पागल राजा, ठीक है, समय से पहले सोचने, मतलब समय से पहले चीजों को सोचने वाला राजा, इस प्रकार के इनको मतलब नाम दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि एमबीटी जो है ये कहीं ना कहीं दूर की बहुत सोचता था, ठीक है ना, जैसे करेंसी को पहले बांट देना, अग्रिम वेतन बांट देना, तो इस प्रकार के कई सारे काम है जो इन्होंने करे हैं एमबीटी। ये रीजन है कि जो इतिहासकार है इन्हें क्या कहते हैं, विरोधाभासों का बताइए मिश्रण, ठीक है। देखो फिर लिखा है कायदे आजम, तो कायदे आजम बोला जाता है बेटा मोहम्मद अली जिन्ना को, कायदे आजम, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, भारतीय पुनर्जागरण काल के पिता या फिर भारतीय पुनर्जागरण काल के नक्षत्र, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है, राजा राम मोहन राय को, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार पता नहीं कितनी बार एसएससी पूछेगा, 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेगा, इसमें पता नहीं कितने आपको मिल जाएंगे। जैसे भगत सिंह को शहीद भगत सिंह कहा जाता है, गुरुदेव की जो उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई है, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई है ना, शेरे जो पंजाब है या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा गया, पता नहीं कितने सारे आप उठा के देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, आपको डिट्टो वही की वही उपाधियां पूछी हुई मिलेगी, ठीक। तो एक बार पढ़ लो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, बेटा ये किसको कहा गया है, ज्योफ्री चौसर को, ज्योफ्री चौसर, ज्योफ्री चौसर, याद रखिएगा ज्योग्राफी होता है तो ज्योफ्री है ये, ज्योफ्री चौसर, इसे क्या कहा गया है जल्दी बताइए, विश्व की पोएट्री का जनक, ठीक है, वर्ल्ड पोएट्री का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ध्यान रखिएगा। अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, ये उपाधि दी गई है महात्मा गांधी जी को, अर्धनग्न फकीर, और एसएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है बेटा कि अर्धनग्न फकीर की जो उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी ये किसने दी थी, तो याद रखिएगा ये उपाधि दी थी विस्टन चर्चिल ने, ठीक है, ब्रिटेन के उस समय ऑफिशियल थे भारत के अंदर विस्टन चर्चिल, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन नाम की जो उपाधि है ये दी गई है राजीव गांधी जी को, मिस्टर क्लीन किसको बोलते हैं अपन, राजीव गांधी को बोलते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, जैसे भी मैंने आपको पढ़ा था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वो थे कौन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, और कहीं ना कहीं भारत की जो जनगणना थी उसमें भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन जो है इनका नाम क्या है, या ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन इनको कहा जाता है ग्लेड स्टोन, क्या कहते हैं ग्लेड स्टोन, देखिए आपके सामने लिखा बेटा ग्लेड स्टोन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकहितवादी, लोकहितवादी, तो याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है बेटा लोकहितवादी, इंपॉर्टेंट है, गोपाल हरि देशमुख, ठीक, लोकहितवादी। इराक का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन आप जानते हैं समुद्रगुप्त, ऐसे ही इराक का जो नेपोलियन है इनका नाम था नादिर शाह, नादिर शाह, ये वही नादिर शाह जिन्होंने डायमंड को चुराया था, कौन सा डायमंड, जो कि कोहिनूर डायमंड था, ठीक है, तो उसको इन्होंने चुराया था, नादिर शाह, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं गरीब नवाज, गरीब नवाज किसको बोला जाता है, तो गरीब नवाज ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है बेटा, अजमेर शरीफ जिसको कहा जाता है, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये अजमेर शरीफ, ठीक, या फिर गरीब नवाज कहते हैं इनको। तराना ए हिंदुस्तान या तराना ए हिंद, तो तराना ए हिंद है असद उल्लाह बेग खान, बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तराना ए हिंद ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी का, समझ रहे हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये तराना ए हिंद, तो ये कौन है तराना ए हिंद जल्दी बताइए, असद उल्लाह बेग खान, ठीक है, असद उल्लाह बेग खान। फिर देखिए एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन, तो एंग्री यंग मैन बोला जाता है अमिताभ बच्चन जी को, ये उनको एक फेमस उनके लिए उपाधि है, एंग्री यंग मैन कौन है, अमिताभ बच्चन। फिर देखो बेटा बादशाह खान, ये बादशाह खान वही है जो कि फ्रंटियर गांधी थे, ठीक है, सीमांत गांधी थे, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इन्हें क्या बोला जाता है जल्दी बताइए, बादशाह खान बोलते हैं इन्हें, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। फिर देखो
आधुनिक युग का मनु, आधुनिक युग का मनु, ठीक है। तो आधुनिक युग का मनु बोलते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। याद रखिएगा, अभी रिसेंटली कौन बनेगा करोड़पति का अगर आप लोग देखते हैं तो एक एपिसोड हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन मतलब 3,20,000 में पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम बताइए। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, याद रखिएगा बी आर अंबेडकर लिखते हैं, तो बी जो है दैट इज भीमराव, ओके, बी इज फॉर भीमराव ओनली, दैट्स इट। आर उसके बाद जो था ना दैट स्टैंड्स फॉर रामजी, तो बी आर अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर, ये इनका पूरा नाम है। 3,20,000 में कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, अगर छोटी सी बेसिक सी नॉलेज है तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक। और यकीन मानिए, जब ये पूछा गया था तो उस टाइम पे उन्होंने लाइफलाइन यूज की थी, ठीक, जो भी कंटेस्टेंट वहां पर थे उस टाइम पे। तो देखिए, भारत का बिस्मार्क, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्या लिखा, देखिए, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो भारत का बिस्मार्क कौन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, याद क्लियर हो गई। और सरदार की उपाधि किसको दी गई है, वो भी वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर थे जो मैंने अभी तक कवर नहीं करे, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखिए, एक पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र कौन थे, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र, ठीक है, ये भी कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र, और इवन एसएससी भी पूछ चुका है, ये थे जमना लाल बजाज, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, देखो, जमना लाल बजाज, ठीक है, ये इनको महात्मा गांधी जी प्यार से अपना पांचवा पुत्र कहते थे, ठीक है, जमना लाल बजाज को। ये कौन है, तो महात्मा गांधी जी के पांचवें बेटा, फिफ्थ सन कहे जाते हैं, पांचवें पुत्र। और एक और इंपॉर्टेंट है, वो है लौह महिला, ठीक है, जैसे लौह पुरुष होता है ना, लौह पुरुष होता है जैसे, ऐसे लौह महिला, तो भारत की लौह महिला किसे कहते हैं, तो ये थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये है इंदिरा गांधी जी, ओके। तो भारत की जो लौह महिला है वो कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट और हैं, आप यहाँ पे 75 तक हुए हैं, दो और बढ़ा के लिख लीजिएगा कि महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र कौन है, जमना लाल बजाज जी, और इंदिरा गांधी जी को क्या बोला जाता है, भारत की लौह महिला, क्लियर होगी बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेटा लोकप्रिय नाम थे लोकप्रिय पुरुषों के, जो होपफुली आपको, लोकप्रिय लोगों के, जो कि होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, और प्लीज नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। जब आप नोट्स बना लेंगे तो आगे जब आप रिवीजन करेंगे चीजों को, तो आपको ही क्लैरिटी होगी और आपकी ही अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, प्लस रिवीजन जो है वो बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, सीरीज जो भी पढ़ाई जा रही है बेटा, जो भी टॉपिक्स जीएस के हो, मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, सभी के प्रॉपर नोट्स बनाइए। 3 अलग कॉपीज बना लीजिए, वो कैप्स की जैसे अखिलेश सर पढ़ा उनकी एक अलग कॉपी बनाइए, तो 4 कॉपीज में आपको क्या करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट हर एक सब्जेक्ट की वो आपको बनानी है, ठीक। एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सारी की सारी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी टॉपिक्स बेटा पढ़ाए जाते हैं उन सभी के नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। अगर आपको बेटा लग रहा है कि जो वीडियोस चैनल पर अपलोड की जाती हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रिपरेशन के दौरान आपकी हेल्प करती हैं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। शेयर जरूर करिए यार, जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं लाइक किया करिए उन्हें। और प्लस अगर मैथ्स की सेकंड पार्ट आप जल्दी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि मैथ्स की जो सेकंड वीडियो है वो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, अगर आप वीडियोस को अच्छे से समझते हैं, उनके नोट्स बना रहे हैं, तभी यार वो हमारे लिए यूजफुल है और हम उस पर उतनी मेहनत करें और हम आपको चीजें प्रोवाइड करें, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, तो भाई नेक्स्ट पार्ट जो होगा या नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए, स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच।